बुलाने का फैसला सामने आया है। बिलावल भुट्टो बैरून मुल्क से वीडियो लिंक पर इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में पीपल्स पार्टी की मरकजी और सूबाई क्यादत शरीक होगी। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं, फहीम अमीन हमारे साथ मौजूद हैं। फहीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूरत यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाबंदी का मामला है और पीपल्स पार्टी ने आइंदा चंद रोज में आला सतही मशावरती इजलास बुलाने का फैसला कर लिया है, जिसमें पार्टी की मरकजी और सूबाई क्यादत जो है वो शरीक होगी, जबकि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो वीडियो लिंक से इजलास की सदारत करेंगे। जबकि इजलास में हुकूमती इत्तेहादी जमात नून लीग की जानिब से पीटीआई पर पाबंदी के हवाले से राय ली जाएगी, जबकि पीपल पार्टी की राय से पाबंदी हमायत या ना करने का फैसला जो है वो भी सामने आएगा, जबकि पीपल पार्टी के मुतअद्दिद रहनुमाओं पीटीआई पर पाबंदी के हक में नहीं है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फहीम, आपने अपडेट किया। बुलाने का फैसला सामने आया है। बिलावल भुट्टो बैरून मुल्क से वीडियो लिंक पर इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में पीपल्स पार्टी की मरकजी और सूबाई क्यादत शरीक होगी। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं, फहीम अमीन हमारे साथ मौजूद हैं। फहीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूरत यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाबंदी का मामला है और पीपल पार्टी ने आइंदा चंद रोज में आला सतही मशावरती इजलास बुलाने का फैसला कर लिया है, जिसमें पार्टी की मरकजी और सूबाई क्यादत जो है वो शरीक होगी, जबकि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो वीडियो लिंक से इजलास की सदारत करेंगे। जबकि इजलास में हुकूमती इत्तेहादी जमात नून लीग की जानिब से पीटीआई पर पाबंदी के हवाले से राय ली जाएगी, जबकि पीपल पार्टी की राय से पाबंदी हमायत या ना करने का फैसला जो है वो भी सामने आएगा, जबकि पीपल पार्टी के मुतअद्दिद रहनुमाओं ने पीटीआई पर पाबंदी के हक में नहीं है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फहीम, आपने अपडेट किया।